हेलो, ये देखो, ये है एक जलकुंभी। ये भी पानी में रहता है, देखिए पानी में रहता है ना। ये देखिए और कितने सुंदर गुलाबों के जैसा दिख रहा है। देखो एक एक फूल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 2-3 खराब हो गए हैं, है ना। ये देखो ये खराब हो गए, इसको ऐसे निकाल देते हैं। ये देखो, इसको ग्रो करने के लिए एक छोटा सा टब चाहिए। किसी भी छोटे छोटे टब पॉट किसी में भी आप ग्रो कर सकते हैं। बस इसमें चाहिए अपने कोई भी गार्डन में गमले की मिट्टी, 20% मिट्टी और 20% गोबर की खाद। यदि गोबर की खाद ना हो तो आप इसमें डाल सकते हैं, डायरेक्ट गोबर भी डाल सकते हैं और इसको कुछ दिन सड़ने के लिए रख दें। और बस ये एक पीस को आपको निकालना है और उसमें डीप कर देना है। एक ऐसे निकालोगे, उस टब में डीप कर दोगे, जैसे डीप करोगे ये तुरंत ग्रो करेगा। इसी से ही छोटे छोटे बेबी प्लांट होते हैं, सब एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। जैसे जैसे पानी गर्मियों के दिन में और ज़्यादा ग्रो करते हैं, बारिश करके फिर भी अच्छा लग रहा है। येलो येलो हो गई है पत्तियाँ बारिश के कारण, ये तो पूरे ग्रीन हो जाती है। जो पत्तियाँ ख़राब हो रही ना, देखिए येलो येलो, ये नहीं होती गर्मियों के दिनों में। और पानी भी पूरा फुल, एक इसमें वाटर लिली ग्रो करी थी, देखिए बीच से ये देखो ये हो गया है। एक इसमें से छोटा और पौधा निकल रहा है, ये देखो आपको दिख रहा होगा छोटा सा पौधा और निकल रहा है। ये दोनों इसमें ग्रो, इसको फिर बड़े टब में ट्रांसप्लांट कर दूँगी, है ना। आप इसको लगा सकते हो अपने घर, बहुत सुंदर दिखता है। कहीं पे भी रखें, बस धूप होनी चाहिए। थैंक यू।